जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं और छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें। छत्तीसगढ़ में सस्ती दवा की दुकानें अब जाकर लॉन्च हो गई हैं। 84 जेनरिक दवा स्टोर शुरू हो गए हैं। इनमें 251 तरह की दवाएं जो है आधे से भी कम कीमतों पर मिलने वाली है। दुर्ग और जांजगीर चांपा में सबसे ज्यादा 15-15 दुकानें ओपन की गई हैं। दरअसल बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धनवंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर्स का शुभारंभ किया है। प्रदेश भर में ऐसे 84 मेडिकल स्टोर शुरू किए गए हैं और इनमें सबसे अधिक 15-15 दुकानें दुर्ग और जांजगीर चांपा जिले में खोली गई हैं। रायपुर जिले में केवल 2 दुकानें शुरू की जा सकी हैं। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न शहरों में बैठे जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम लोगों से बातचीत की है। कोरबा के सुमित कुमार यादव के मुताबिक उन्हें इन मेडिकल स्टोर्स से खरीदी की गई दवाइयों से 600 रुपए तक की बचत हुई है। बस्तर की पार्वती ने बीपी की दवा 138 रुपए की जगह 50 रुपए में मिलने की जानकारी दी। दरअसल दुर्ग में 15, जांजगीर चांपा में 15, धमतरी कोरबा और रायगढ़ में 6-6, वही राजनांदगांव में 5, इसके अलावा बिलासपुर, कोंडागांव, सुकमा और बीजापुर में 3-3 की संख्या में जेनरिक दवाओं की स्टोर्स खोली गई हैं। इधर रायपुर, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, सूरजपुर और जसपुर में 2 तो वहीं महासमुंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, गरियाबंद, बेमेतरा, कबीरधाम, सरगुजा, बलरामपुर, रामानुजगंज, बस्तर, नारायणपुर, कांकेर और दंतेवाड़ा में 1-1 दुकानें खोली गई हैं। और अब खबर कर लेते हैं, बस्तर यूनिवर्सिटी का नाम बदलने पर आंदोलन किया जा रहा है। कांकेर में 68 गांवों के लोगों और छात्रों ने महत्वपूर्ण रैली निकाली। 29 मांगों को लेकर के इन्होंने प्रदर्शन किया है। दरअसल बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में कोयली बेड़ा में बुधवार को 18 पंचायतों के 68 से भी ज्यादा गाँव के लोगों और स्कूली बच्चों ने रैली निकाली है। इस दौरान 29 मांगों को लेकर के एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन भी किया गया। स्कूली बच्चों और इलाके के लोगों का कहना है कि बस्तर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर शहीद महेंद्र कर्मा किया गया है। बस्तर हमारी पुरानी रियासत है, इसलिए हम विश्वविद्यालय का नाम बदलना ठीक नहीं है। इसका नाम बस्तर विश्वविद्यालय ही रहने देना चाहिए। पालक बालक संघ के संघर्ष समिति संघ एवं बेरोजगार संघ ने विशाल रैली का आयोजन किया। क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करने की भी उन्होंने मांग की है। बच्चों व ग्रामीणों के साथ समर्थन में कोयली बेड़ा में व्यापारियों ने सारी दुकानें भी बंद रखी थी। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पूर्व में भी इन मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा भी गया है, लेकिन अब तक किसी प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। छत्तीसगढ़ में भी उत्तर प्रदेश फॉर्मूले की आहट दिखाई दे रही है। बघेल बोले, महिलाओं के लिए टिकट आरक्षण का प्रियंका गांधी का ऐतिहासिक निर्णय। दरअसल छत्तीसगढ़ में अगर होता है तो 36 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होने वाली है। उत्तर प्रदेश चुनाव के पूरे दमखम के साथ उतरने की तैयारी कर रही कांग्रेस ने विधानसभा की 40 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को टिकट देने की घोषणा की है। पार्टी इसे महिला सशक्तिकरण की कोशिश के तौर पर प्रचारित कर रही है। इस घोषणा के साथ ही उत्तर प्रदेश चुनाव के इस फॉर्मूले की आहट 2023 में प्रस्तावित छत्तीसगढ़ चुनाव में भी महसूस की जाने लगी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पहल का स्वागत किया है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी जी द्वारा कांग्रेस पार्टी की ओर से लगभग 40% टिकट महिलाओं के लिए आरक्षित करने का ऐतिहासिक निर्णय है। यह राजनीति को नई दिशा, महिलाओं को आत्मबल देगा और उत्तर प्रदेश की महिलाएं डरेंगी नहीं बल्कि मजबूती से कहेंगी कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। इसी प्रकार अब इसकी आहट भी यहां पर यानी कि छत्तीसगढ़ में भी हो रही है। और अगर यहाँ छत्तीसगढ़ में भी 40% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाती हैं तो लगभग 36 सीटें महिलाओं के लिए मिलने वाली हैं। प्रदेश के 46,000 परिवारों के राशन कार्ड संदिग्ध हैं। 1,052 परिवारों के पास छत्तीसगढ़ के साथ ही दूसरे राज्यों में भी राशन कार्ड है। अब तक 6,969 की जांच हो गई है। बता दें, वन नेशन वन कार्ड के तहत चल रही जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। छत्तीसगढ़ के 1,052 परिवारों द्वारा राज्य के अलावा दूसरे राज्यों में भी अपने आधार कार्ड के माध्यम से राशन कार्ड बनवाने का मामला सामने आया है। अधिकारी इस मामले को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। खाद्य विभाग की संचालक को विभाग द्वारा
तैयार किया गया दस्तावेज भेजकर इस बारे में पूछा गया है तो उन्होंने जानकारी देने से इनकार कर दिया। प्रदेश में 68,72,228 राशन कार्ड है, इनमें से 58,98,535 BPL तो वहीं 9,73,693 APL राशन कार्ड है। 31 अगस्त तक की स्थिति में 68,46,044 कार्ड थे, वहीं डेढ़ माह में ही 26,184 कार्ड और बन गए। अन्य राज्यों की तरह ही छत्तीसगढ़ में भी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू किया गया है और इस योजना के तहत सभी राशन कार्ड धारकों का आधार नंबर उनके राशन कार्ड से लिंक किया जा रहा है। और इसी दौरान ही यह सामने आया है कि प्रदेश के 46,042 ऐसे परिवार हैं जिनके राशन कार्ड संदिग्ध हैं, इनकी जांच फिलहाल चल रही है। इंजन और एक बोगी दौड़ा करके पटरी पर पड़ताल की गई है। बिलासपुर से 140 की स्पीड से 1 घंटे 7 मिनट में रायपुर आई है ट्रेन। सेमी हाई स्पीड की प्रक्रिया यहां पर शुरू हो गई है। दरअसल रायपुर बिलासपुर और दुर्ग के बीच 130 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेनें चलाने के 6 माह लेट हो चुके प्रोजेक्ट की औपचारिक प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, जब यहां पर बिलासपुर से एक इंजन और एक पार्सल बोगी को समान रूप से 140 की रफ्तार से दौड़ा करके 1 घंटे 7 मिनट में रायपुर पहुंचा दिया गया। तो वही सुबह 11:12 ट्रायल ट्रेन बिलासपुर से चली और दोपहर 12:19 पर रायपुर पहुंच गई। यही नहीं, रायपुर में रुकने के बजाय यह ट्रेन सीधे इसी स्पीड में दुर्ग रवाना किया गया और ठीक आधा घंटा यानी कि 12:49 पर ट्रेन दुर्ग स्टेशन पर लग गई। 10वीं पास से लेकर के ग्रेजुएट तक के लिए नौकरी की यहाँ पर जो पिटारे हैं खुल चुके हैं। फायर सेफ्टी सुपरवाइजर, कारपेंटर और SBI में लाइफ मित्र बनने का मौका प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से आपको मिल सकता है। दरअसल बता दें, छत्तीसगढ़ में बेरोजगार युवकों के लिए एक सुनहरा मौका है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र बेरोजगारों के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन कर रहा है। 21 अक्टूबर को यानी कि गुरुवार को आयोजित होने वाले इस प्लेसमेंट कैंप में निजी क्षेत्र की कंपनी जहां फायर सेफ्टी सुपरवाइजर के पदों पर योग्य आवेदक को चुनेगी, तो वहीं SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की ओर से लाइफ मित्र का चयन किया जाएगा। प्लेसमेंट कैंप में 105 पदों के लिए भर्तियां होंगी। जिला रोजगार अधिकारी के मुताबिक गुरुवार सुबह यानी कि आज के दिन 11 से लेकर के शाम 4 बजे तक रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र धमतरी में कम्पोजिट भवन के कमरा नंबर 45 में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन होने वाला है। और अब बड़ी खबर है, 500 सरेंडर नक्सलियों को रोजगार मिला है, 120 को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। तो वही दंतेवाड़ा देश के ऐसे जिले में जहां सबसे ज्यादा इनामी माओवादियों का आत्मसमर्पण हुआ है। दरअसल छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सरेंडर के बाद नक्सलियों को रोजगार के तमाम काम देकर के आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। अब तक लगभग 500 से ज्यादा सरेंडर कर चुके नक्सली अलग अलग कामों से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों का सरेंडर करवाकर रोजगार से जोड़ने वाला दंतेवाड़ा देश का पहला जिला बन गया है। नक्सल पीड़ित परिवार के सदस्यों को भी लाभ दिया जा रहा है और इन सरेंडर नक्सलियों में कई कमांडर स्तर के भी हैं जिन्होंने माओवाद का दामन छोड़ दिया और मुख्यधारा में लौट आए, जो आज रोजगार से जुड़ करके खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। दंतेवाड़ा में नक्सलियों के सरेंडर करने के बाद सबसे पहले उनके सरकारी दस्तावेज बनाए जा रहे हैं ताकि उन्हें खुद की पहचान मिल सके। वहीं अब तक 531 राशन कार्ड, 407 आधार कार्ड, 440 वोटर आईडी के साथ ही 392 से ज्यादा सरेंडर नक्सलियों का बैंक में खाता भी खोला गया है। राजनांदगांव से खबर आ रही है, भेल गुपचुप खाकर के 71 लोग बीमार गए, इनमें से 47 बच्चे उल्टी दस्त का शिकार भी हुए जिनकी उम्र महज 6 से लेकर के 15 साल के बीच है। सभी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। बता दें, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में बाजार में भेल और गुपचुप यानी कि गोलगप्पे खाने के बाद 71 लोग बीमार पड़ गए, इनमें से 47 बच्चे भी शामिल है। सभी बच्चों की उम्र 6 से 15 साल के तकरीबन बीच है। फूड पॉइजनिंग के बाद सभी बच्चों को पेंड्री स्थित मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। इधर देर रात तक कलेक्टर सहित अन्य अफसर डटे रहे। फिलहाल सभी मरीजों की हालात फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। टेलकाडी के क्षेत्र के पास गतापारा कला में मंगलवार को साप्ताहिक बाजार लगाया गया था और इसमें गांव के बड़े बुजुर्ग और बच्चे भी गए हुए थे। सभी ने दुकान से गुपचुप और भेल खाया था और जब घर लौटे तो एक एक करके सभी को उल्टी दस्त होना शुरू हो गया। इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था।
और अब छत्तीसगढ़ में मौसम के अपडेट के बारे में बात करें। छत्तीसगढ़ में रात के तापमान में धीरे धीरे गिरावट आनी शुरू हो गई है और आगे भी गिरावट जारी रहेगी। ठंड बढ़ने वाली है और कई इलाके हैं जहां पर अभी भी हल्की बरसात की संभावना बन रही है। बता दें, मानसून वापसी के बाद भी प्रदेश में एक सिस्टम सक्रिय है और इसी की वजह से इसके कारण से पिछले कुछ दिनों से कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश भी हो रही है। 2-3 दिनों तक दक्षिण छत्तीसगढ़ में बारिश होती रही। अब चूंकि सिस्टम उत्तरी छत्तीसगढ़ की तरफ चला गया है, इसलिए उस इलाके में भी बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के अनुसार दक्षिण छत्तीसगढ़ में अब रात के तापमान में गिरावट आएगी, इसलिए कह सकते हैं कि हल्की ठंड की शुरुआत होगी। वहीं उत्तरी छत्तीसगढ़ में सिस्टम होने के कारण बारिश की संभावना है, यहां नमी रहेगी। इसके अलावा हल्की उमस भी बताई जा रही है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से, बहुत ही छोटी सी। वीडियो पसंद आ रहा है तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो वही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुँचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम आप लोगों को जरूर कर लेना है। बस्तर दशहरे का 73 दिन बाद समापन हुआ है। माता मावली की विदाई के साथ ही समापन हुआ। वहीं 18 दिन अलग अलग विधान से पूजा अर्चना भी की गई। देश के सबसे बड़े और सबसे अलग, सबसे लंबे समय तक चलने वाले बस्तर दशहरे का मंगलवार को माता मावली और का छत्र और माई जी की डोली की विदाई के साथ ही समापन हो गया था। इधर बता दें, इस साल बस्तर में 8 अगस्त से शुरू हुए दशहरे को 73 दिनों तक मनाया गया। ये सबसे अलग है क्योंकि इस दशहरे में रावण का दहन नहीं किया जाता। इसमें परंपरा के अनुसार 18 पूजा विधान होते हैं और तकरीबन 100 बकरों की बलि भी दी जाती है। दरअसल पाट यात्रा, इसके अलावा काछन गादी विधान, जोगी मिठाई, फूल रथ परिक्रमा, बेल पूजा, निशा यात्रा, इसके अलावा मावली परघाव, भीतर रहनी बाहर रहनी, इसके अलावा मुरिया दरबार जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए, इसके अलावा कुटुम्ब यात्रा, इन सभी विधि विधान से बस्तर दशहरे को मनाया गया इस वर्ष 73 दिनों तक। थाली में लगातार धधक रही है महंगाई की आग। पहली बार पालक 120 तो वही धनिया 280 रुपए किलो पहुंच गया है। बता दें, वर्तमान में सब्जियों के भाव में बात करें तो हरी धनिया चिल्हर में 280, मुनगा 100 से 140, पालक 100 से लेकर 140, हरी मिर्ची 80, गवार फली 80, परवल 80, सेमी 80, शिमला मिर्च 80, बरबट्टी भी 60, इसके अलावा गाजर 60 से 80, फूल गोभी 60 से 80, टमाटर 50 से लेकर 60, करेला 40 से 60, भट्टा जो है 40 रुपए, तो वही मूली 40 रुपए, भिंडी भी 40, खीरा 40, चुकंदर 60 रुपए प्रति किलो के भाव से चिल्हर बाजार में बिक रहा है। वैसे बात करें, 600 रुपए प्रति कैरेट बिकने वाला टमाटर 1000 रुपए प्रति कैरेट पर जा पहुंचा है। महंगाई की आग अब आम आदमी की रसोई तक पहुंच गई है। पहले ही तेल और दूसरे सामानों की कीमतों में वृद्धि हो चुकी है और अब सब्जियों की अचानक बढ़ी कीमतों ने आम आदमी के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रखी है। पहली बार चिल्हर बाजार में पालक भाजी की कीमत जो है अचानक 120 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। और अब खबर है, भीख मांगने वाले बच्चों की संख्या अचानक बढ़ गई है। भीख मांगने 35 बच्चे 75,000 रुपये मासिक खर्च करके रायपुर आते हैं गाड़ियों से बुकिंग करके। जी हाँ, ये आपको अटपटा लग सकता है। दरअसल खरोरा क्षेत्र में पढ़ने की उम्र में भीख मांगने वाले बच्चों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। फिलहाल ऐसे बच्चों को इस बुरी प्रवृत्ति से हटाने वाला कोई नहीं है। माठ निवासी 14 साल का देवा, नकली नाम जो कि हमने आपको बताया, फिलहाल स्कूल जाने की उम्र में भीख मांगता है। उसने बताया है कि समूह में 35 बच्चे हैं जिनकी उम्र लगभग 7 से 16 वर्ष तक है। उनका एक कैप्टन भी है जिसकी उम्र 16 वर्ष है। भीख मांगने के बाद जितने भी पैसे आते हैं उनमें से हर एक को लगभग 100 रुपए रोजाना देना पड़ता है। दरअसल पड़ताल में ये तथ्य सामने आया है कि समूह के पूरे सदस्य माठ से भीख मांगने के लिए रवाना होते हैं, रायपुर जाते हैं और इनमें एक ऑटो और एक वैन किराए पर लेते हैं जिसका प्रतिदिन का किराया 2500 रुपए व मासिक किराया लगभग 75,000 रुपए होता है। सितम की बात तो ये है कि ये सभी बच्चे बस स्टैंड पर खड़ी सवारियों व राहगीरों से भीख मांगकर उनको लगातार परेशान करते हैं। एक वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं, बस्तर में 43 नक्सलियों ने SP के सामने सरेंडर किया है। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल बता दें, बस्तर के सुकमा जिले में फोर्स को बड़ी सफलता मिली है। 43 नक्सलियों ने SP सुनील शर्मा के सामने अपना आत्मसमर्पण कर दिया है। इस दौरान CRPF के अधिकारी भी मौजूद थे। जानकारी मिली है कि सुकमा में पुलिस व अन्य सुरक्षा बलों के द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जा रहे ऊना नरकोम अभियान के तहत 43 नक्सलियों ने अपना आत्मसमर्पण किया है।
ऑनलाइन खरीदारी से लेकर के ऑफलाइन कारोबार चौपट हो गया है। नवरात्रि में ही लगभग करोड़ों रुपए की चपत लग चुकी है। दरअसल बात करते हैं नवरात्रि में ऑनलाइन कारोबार करने वाली कई बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों के ऑफर सेल के कारण ऑफलाइन कारोबार करने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, कपड़ा सहित कई सेक्टर्स के लोगों को यानी कि कई सेक्टर्स को लगभग करोड़ों का कारोबार इनका प्रभावित हुआ है। इनका लगभग 50% से भी ज्यादा कारोबार इन ऑनलाइन मार्केट की वजह से प्रभावित हुआ। अब दीपावली से 15 दिन पहले भी जिस तरह से ऑफर ही ऑफर आए हैं उनसे छोटे कारोबारी परेशान में है। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ साथ कैट लगातार केंद्र सरकार से ई कॉमर्स पॉलिसी बनाने की मांग कर रहा है। अगर पॉलिसी नहीं बनी तो छोटे कारोबारियों का पूरा कारोबार ही बंद हो जाएगा। आरएसएस संघ पर लगातार मुख्यमंत्री का हमला जारी है। भूपेश बघेल बोले, आजादी से पहले भी दंगा भड़काने और समाज में जहर घोलने का काम करती रही है आरएसएस। दरअसल बता दें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और भाजपा पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जुबानी हमला जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दंगे भड़काने का काम, समाज में जहर घोलने का काम ये आजादी के पहले से करते आ रहे हैं। अब भी ये लोग यही कर रहे हैं, इनमें इनकी मास्टरी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों ऐसे हैं जिनके पास धर्मांतरण और सांप्रदायिकता सौहार्द बिगाड़ने की मास्टरी है। ये सभी बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरएसएस और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कही हैं। दरअसल दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक था। वीडियो पसंद आया तो नीचे लाइक बटन जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुँचा सकें। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।